लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। भारत स्टेज 6 इंजन की कंपल्शन और उसके साथ डिमांड में कमी, इन दोनों की वजह से इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतना बड़ा नुकसान पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। हमारे साथ शैलेश सिन्हा है, ट्रैफिक और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, वो बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। शैलेश जी, कितना नुकसान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है? देखिए, जहां तक नुकसान की बात है, पर डे मैं बताऊं तो ये मल्टीपल 1000 करोड़ का है पर डे रेवेन्यू लॉस फॉर एनी ऑटोमोबाइल कंपनी। और जो अभी आपने बोला एक और चीज, उसको ये बात बोलूंगा कि 2010 में जो सिचुएशन था, जो ऑटोमोबाइल मार्केट का सेगमेंट था, वो 2020 में पहुंच चुका है। तो इसको रिकवर करने में कई साल लगने वाले हैं, मतलब ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। और सेकंड पार्ट क्या है कि इनसिक्योरिटीज, जॉब सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, वो अपने आप में आपको रोक रही हैं आने वाले समय में नई गाड़ी खरीदने के लिए। तो ये सब चीजें हैं। बैंक्स भी बहुत नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर चुका है अपने लोन्स को रिलीज करने के। सो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड कर रही हैं आपके पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट को, इनसिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज प्लस जॉब इनसिक्योरिटीज। और 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। सो अपने आप में एक सीरियस सिचुएशन है ऑटोमोबाइल मार्केट के। कब तक सर रिकवरी की इससे संभावना है, और आने वाला टाइम सड़कों के लिए और ट्रैफिक के लिए और एनवायरमेंट के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, जो एक सिंपल सा पार्ट बताऊं, मारुति ने मई के महीने के आसपास लगभग 80% के आस अपना मार्केट डाउन किया था, लॉस किया था। ह्यूंडई देखिए, जो मेजर मार्केट है, वो लगभग 79-78% वो भी थे। और अगर आप देखें टू व्हीलर मार्केट, हीरो या बजाज, तो देवर ऑल्सो अराउंड 80% ऑफ रेवेन्यू लॉस व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल सेल फॉर देम। तो इन टर्म्स की इसको रिकवर करने में ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है कि BS6 एक नॉर्म और डेवलप हो गया है, BS4 को स्किप करके, जो BS5 को स्किप कर BS6 किया इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अब BS6 ही रजिस्टर होंगी और BS6 क्या प्रोडक्शन में है, ये बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। और किस लेवल पे उसकी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि इतनी सारी चीज नॉर्म्स में आ गई है ना, आपकी सैलरी, आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं। और प्लस सेकंड पार्ट क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आने वाले समय में, जो मेरा एनालिसिस है, वो नीचे जाने वाला है। आदमी सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगा हर चीज में, हेल्थ इश्यूज की वजह से, हेल्थ इश्यू एब्सोल्युटली। आई मीन, इतना कोरोना ने जो है पूरे मार्केट को साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब कर दिया कि एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। टू व्हीलर मार्केट विल गो अप वेरी फास्ट और स्मॉल कार सेगमेंट मार्केट बहुत तेजी से आगे जाएगा, ये मेरा मानना है। स्मॉल जो 4 लाख और आसपास के सेगमेंट की गाड़ियां हैं ना, 4 व्हीलर में, वो बहुत ऊपर जाने वाली हैं। और दूसरा पार्ट में क्या बता रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल भी 15-20% नीचे गया है यूसेज, लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंसी पे गए। और सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। सेकंड कार मार्केट हो, उसमें आपको B6 के नॉर्म्स की कोई वो नहीं है, चिंता नहीं है आपको, केवल उसमें क्या करना है, आपको बस रजिस्ट्रेशन चेंज करना होता है, अपनी RC चेंज करानी होती है। सो मुझे लगता है कि सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, और 4-5 लाख के सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उसका मार्केट ऊपर होगा, और टू व्हीलर का मार्केट एक्चुअली ऊपर जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं और आने वाले समय में, लेकिन ये ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा, 2-3 साल कहीं नहीं गए आपके। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, ओवरनाइट ये मार्केट में जो स्लो डाउन आया है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा और लोगों की डिपेंडेंसी अपने व्हीकल पर बढ़ेगी, छोटे व्हीकल्स, छोटी कार या फिर टू व्हीलर्स को ज्यादा फायदा होने वाला है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।